आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मैक्रोनी की बेहद मज़ेदार बेहद यूनिक रेसिपी। मेहमानों को भी खिलाएंगी तो आपकी तारीफ करे बिना रुकेंगे नहीं, क्योंकि है ही इतनी मज़ेदार रेसिपी। तो होली आने वाली है, आप इस होली ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना। वैसे तो इसे आप कभी भी बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन होली में स्पेशली बना लीजिए, मेहमान भी आते हैं तो उन्हें भी खिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें मैक्रोनी को बॉयल करना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ मैं टिप्स दूंगी जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आप एक बर्तन ले लीजिए, कोशिश करिए फैले मुँह का लें। इसमें आप थोड़ा ज़्यादा सा पानी डालिए, हमेशा इतना पानी डालें कि अच्छे से स्पेस मिल सके मैक्रोनी को बॉयल होने में। अगर कम पानी डालेंगे ना तो मैक्रोनी से स्टार्च निकलने लगता है, जिससे मैक्रोनी आपस में चिपकने लगती है और खिली खिली नहीं बनती है। अब इस पानी में हम आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और एक छोटा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल से मॉइस्चर रहता है और मैक्रोनी आपस में चिपकती नहीं है। अब हम इस पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप मैक्रोनी डालें। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने यहाँ पर ली है लगभग 200 ग्राम मैक्रोनी। आप जितनी भी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में मैक्रोनी ले सकते हैं। अब हम पानी में मैक्रोनी को डाल देंगे। अभी हम एक मिनट तक बिल्कुल फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि इसमें पानी में बढ़िया सी उबाल आ जाए, और इसको हम स्पैचुला से एक बार अच्छे से मिक्स भी कर देते हैं ताकि ये अलग अलग रहें। और आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आने लगी है। अब हम इसको एक बार और मिक्स कर देंगे। अब हम करेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें मैक्रोनी को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि हमें लगभग 80% तक मैक्रोनी को पकाना है। अब इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि आप कैसे समझेंगे कि 80% पकी है या नहीं, केवल हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारी 80% पक गई है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आप एक मैक्रोनी को हाथों से मैश करके देखिए, अगर आपको थोड़ा सा जोर लगाने पर ये टूट रही है तो समझ लीजिए कि इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। ऐसे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो, कुछ परसेंट ये बची रहे। तो बस गैस को हम बंद कर देंगे और इस मैक्रोनी को हम स्ट्रेनर में तुरंत ही निकाल लेते हैं। ये काम आपको क्विकली करना है ताकि हमारी मैक्रोनी जल्दी से ही बाहर आ सके और ओवर कुक ना हो। अब इस मैक्रोनी की छन्नी को हम अलग दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी पानी है तो ये टच में रहेगा जिससे ये गल भी सकती है। और बस ऊपर से हम एक बार इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये अपनी ही हीट से ज़्यादा पक ना पाए। और ठंडा पानी डालने के बाद इस छन्नी को हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। हमें इसमें मॉइस्चर बने रहने देना है, लेकिन जो पानी एक्स्ट्रा का है उसे हमें निकाल लेना है। यहाँ पर हमने एक फैले मुँह की परात ले ली है, आप थाली ले लीजिएगा जिसमें आपको अच्छे से मिक्स करते बन जाए। बस इस तरह से कोई भी बर्तन ले लेना है और मैक्रोनी को हम इसमें डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली हमारी मैक्रोनी बनी है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, चिपक नहीं रही है आपस में, और एक एक मैक्रोनी अलग अलग है। तो बस यही टिप्स आप फॉलो करिए, जब भी मैक्रोनी बनाएं बच्चों के लिए तब भी ये टिप्स फॉलो करिए, और आज की रेसिपी के लिए तो आपको विशेष ध्यान देना है इन टिप्स का। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और 2 छोटी चम्मच ही हम इसमें डालेंगे मैदा। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप सिर्फ यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर मैदा नहीं है तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकती हैं। ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लगभग 3 से 4 छोटी चम्मच के करीब ही आपको कॉर्नफ्लोर या मैदा की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने दोनों को ही मिक्स करके इसमें डाला है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन हल्के हल्के हाथों से करिएगा क्योंकि मैक्रोनी टूट भी सकती है। तो आप देख सकते हैं हमने खूब अच्छे से कोट कर लिया है, और देखिए कितने अच्छे से मैदा और कॉर्नफ्लोर सभी मैक्रोनी में कोट हो चुके हैं, अच्छे से लिपट चुके हैं। बस ऐसे ही हमें इसको चाहिए था। अब हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, इस मैक्रोनी को एक बार हम स्ट्रेनर में डाल करके हल्का सा छान लेंगे। इससे क्या होगा, जो थोड़ी बहुत सूखा मैदा बचा हुआ है ना वो सारा निकल जाएगा। तो जब हम इसको तेल में डीप फ्राई करेंगे तो उस टाइम मैदा तेल में नहीं जाएगा, तो तेल भी ख़राब नहीं होगा, और साथ में जो मैदा का पाउडर है ये जल जाएगा तो हमारी मैक्रोनी में भी चिपक सकता है, तो उसका कलर भी ख़राब हो सकता है। इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, एक बार इसको इस तरह से छान लेंगे।
तो हमने सभी मैक्रोनी को छान लिया है और जितना भी मैदा था सूखा मैदा वो सारा अलग निकल गया है और बिल्कुल बढ़िया कोट की हुई मैक्रोनी हमें मिल चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मैक्रोनी डाल के देखेंगे। डालने के बाद ये थोड़े ही सेकंड में, 2-3 सेकंड में ही अगर ऊपर की तरफ आने लगती है तो समझ लीजिए कि तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है, क्योंकि इसके लिए तेल अच्छा गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो मैक्रोनी है बहुत ज़्यादा तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब हम इन मैक्रोनी को थोड़े थोड़े करके डालेंगे, खट्टे मत डालना क्योंकि तेल झाग छोड़ता है। और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, तो आपको तो मालूम ही होगा कि सरसों का तेल बहुत ज़्यादा झाग देता है। तो आप कोई भी तेल यूज़ कर लीजिए, बट हमारे यहाँ सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं वही ले रही हूँ। तो बस अब पहली बार में हम क्या करेंगे, पहले बैच में हम कम ही मैक्रोनी डालेंगे। इससे हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा तलते समय कि हमें कितनी मैक्रोनी डालनी चाहिए कितनी नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डालने के बाद 15-20 सेकंड तक इंतज़ार करेंगे, यानी कि छिड़खानी नहीं करेंगे, और 15-20 सेकंड बाद इसको हम करछली की मदद से उलटना पलटना शुरू कर देंगे। अब इनको तलने में कोई विशेष वो नहीं है कि यहाँ पर कोई टिप्स हो, बस आपको हाई फ्लेम पर इनको तलना है और बीच बीच में एक दो बार इनको उलटते पलटते जाना है। जैसे नॉर्मल हम सेव या कोई और भी नमकीन तलते हैं उसी तरह से आप इनको तल लीजिए। और कब तक तलना है, जब तक कि इनका कलर हल्का सा सुनहरा नहीं हो जाता। इनको तलने में टोटल आपको 3 से 4 मिनट का समय आराम से लग जाएगा। तो लगभग मुझे 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मैक्रोनी का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा हमें इनको नहीं तलना है, ये इतने में ही क्रिस्पी हो जाएंगी। अगर आप इससे कम तलेंगे ना तो इनमें हल्की फुल्की नमी रह जाएगी, जिसकी वजह से आप इनको महीनों तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको इतना सुनहरा तो आप तल ही लीजिएगा। तो चलिए अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम अपना सेकेंड बैच भी तलेंगे, तो बस ध्यान रखें खट्टे मत डालना क्योंकि इसमें झाग ऊपर आएगा, और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा भी मत भरना। लेकिन हमने जितनी पहली बार में डाली थी उससे हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मैक्रोनी डालेंगे। और सेम प्रोसेस में इनको भी हम थोड़ी देर बाद उलटते पलटते हुए तलेंगे, और 2-3 मिनट बाद जैसे इनका कलर सुनहरा हो जाएगा तो बस हम इनको निकाल लेंगे। आप इनकी आवाज़ से ही समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी क्रिस्पी हो चुकी हैं, और यकीन मानिए जब मैं आपको इनको तोड़ करके दिखाऊंगी आपको बिलीव नहीं होगा कि इतनी बढ़िया हमारी मैक्रोनी की ये नमकीन बन करके तैयार हुई है। तो इसी तरह से हमने अपने सारे बैचेस तल लिए हैं। मुझे ये नमकीन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाया है। और बस अब हम इसको फिर से किसी फैले मोए के बर्तन में डालेंगे जिसमें हमें मिक्सिंग करते बन जाए। अब हम इसको थोड़ा सा स्पाइसी मसालेदार फ्लेवर देने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ज़रूरी टिप, आपको गरम गरम में ही ये मसाले और नमक मिलाना है ताकि अच्छे से ये कोट हो सके। तो स्वादानुसार नमक डाल देंगे, सफ़ेद वाला सादा नमक, थोड़े से लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब हम डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा हम यहाँ पर काला नमक डाल देंगे, और अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारी मसालेदार मैक्रोनी की चटपटी क्रिस्पी नमकीन बनकर के तैयार है। अब यहाँ पर भी ज़रूरी बात, मैंने यहाँ पर कुछ सिंपल से मसाले डाले हैं, आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास मैगी का जो मैजिक मसाला आता है वो भी डाल सकते हैं। आपके बच्चों को जो पसंद हो, आपको जो पसंद हो, उस हिसाब से आप मसाला डाल सकते हैं। टमाटर का पाउडर हो वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से फ्लेवर इसमें दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी और कितनी खस्ता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सख्त हो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल हाथों हाथ ये टूट जाएंगी। तो चलिए चेक करते हैं इसको। अब मैं आपको इन्हें तोड़ करके भी दिखाती हूँ, देखिएगा कितनी क्रिस्पी हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको हल्का सा ही दबाया और ये कितनी खस्ता है कि चूर चूर हो गई। ये देखिए है ना बिल्कुल खस्ता। तो कोई कह सकता है कि हमने मैक्रोनी की नमकीन बनाई है, तो भाई इस होली में से बनाना तो बिल्कुल बनता है। होली में बनाइए, कभी भी बना करके रखिए,
2 महीने तक आराम से आप इनको एयरटाइट डिब्बे में भर करके स्टोर करके रख सकती हैं। यकीन मानिए, गारंटी से कहती हूँ, मेहमानों को भी सर्व कर देंगे ना तो वो ज़रूर पूछेंगे कि आपने इनको बनाया कैसे है। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इस होली का एंजॉय करें। आपको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी होली। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।